हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक तंवर। वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल। एक बहुत ही मजेदार ऐसे है जिसे चार्ल्स लैम ने लिखा है। तो आइए मैं आपको इसकी एक शॉर्ट, एकदम ब्रीफ समरी बताता हूं और हम इसका कुछ एनालिसिस करेंगे हिंदी में। सो गाइज, इस ऐसे के अंदर अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल लैम ने डिस्प्ले किया है, ये डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से मैरिड लोग बैचलर्स की इंसल्ट करते हैं जब वो ओपनली अपना लव दिखाते हैं एक दूसरे के प्रति। यहां पे मैरिज को एक मोनोपोली कहा गया है। उनका कहना है कि ये कुछ प्रिविलेज है जिसे सिर्फ और सिर्फ मैरिड पीपल इंजॉय करते हैं और इससे बैचलर्स को बहुत ही एनवी होती है, बहुत ही जलन होती है। आखिर उन्हें पब्लिक डिस्प्ले करने की क्या जरूरत है, ये तो ऑब्जेक्शनेबल है। इस तरह का जब डिस्प्ले होता है तो उनके अनबेनिफिटेड नेबर्स जो कि शादीशुदा नहीं है उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, ये तो अनडिजायरेबल है। ये मैरिड लोग जो एक स्पेशल प्लेजर ले रहे हैं शादी का, ये बड़ा ही ऐसा बिहेव करते हैं जो कि बैचलर्स को इर्कसम लगता है, मतलब बड़ा बुरा लगता है। आगे लैम ये भी कहते हैं कि बाइबल का एक साम है, बाइबल का एक भजन है जिसके अंदर बताया गया है कि बच्चे तीरों की तरह होते हैं, एरोज की तरह होते हैं और वो इंसान की मदद करते हैं जिंदगी के स्ट्रगल्स को फेस करने में। बट यहां पे बहुत ही ह्यूमरसली, बड़े ही मजाकिया तरीके से लैम कंपैरिजन कर रहा है बच्चों का असली तीरों से और वो कहता है ये वो तीर होते हैं जो कि मैरिड लोग बैचलर्स के ऊपर छोड़ते हैं और बैचलर्स तो वेपनलेस होते हैं, उनके पास तो बेचारों के पास कोई हथियार नहीं होता है। तो इन एरोज का यूज किया जाना चाहिए जिंदगी की कैलेमिटीज को फेस करने में, ना कि बैचलर्स को पेन और टॉर्चर देने में। तो हमने देखा कितना मजेदार कंपैरिजन उन्होंने किया है यहां पे। आगे वो ये कहते हैं कि बच्चे कोई ऑर्नामेंट नहीं है जिनको पेरेंट्स अपने साथ में लेकर घूमे, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम बच्चों को लाइक करें या डिसलाइक करें और ये उनके नेचर पे डिपेंड करता है। पता नहीं क्यों पेरेंट्स हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके बच्चों को जरूर प्यार करें। ये तो वो वाली बात हो गई कि लव मी एंड लव माई डॉग। वो ये कहते हैं कि बॉय हो या गर्ल हो, उनका स्टैंडर्ड कैसा है, उनकी क्या क्लास है, इस पे डिपेंड करेगा कि वो लवली हैं या नहीं है। बट हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम उन्हें बहुत सारा प्यार करें। हो सकता है वो इतने क्वालिटी वाले बच्चे नहीं हो, वो बिल्कुल ऑर्डनरी बच्चे हो, जैसे कि कोई ऑर्डनरी फूल होता है। तो लैम के अनुसार विमेन या बच्चों पर प्यार तभी आएगा जब उनकी कोई क्लास हो या उनके अंदर कोई खास बात हो। आगे लैम ये भी कहते हैं कि जो उनके किसी भी मैरिड आदमी के पुराने बैचलर दोस्त होते हैं, जिनकी दोस्ती उनसे तब हुई थी, शादी से पहले हुई थी, तो उनके साथ भी बीवियों को प्रॉब्लम रहती है क्योंकि वो सिर्फ उस हस्बैंड की इंडिविजुअल चॉइस थी कि मैं इससे दोस्ती करूं और उसमें बीवी का कोई कंसेंट नहीं था, बीवी की कोई सहमति नहीं थी। तो बीवी हमेशा कोई ना कोई ऐसी ट्रिक लगाती रहती है कि किस तरीके से उन फ्रेंड्स को अपने पति से दूर किया जाए। यहां वो एक सिमली के साथ इसको कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि बीवियां तो उस नए नए क्राउंड रूलर की तरह होती है, उस नए नए राजा की तरह होती हैं जो जैसे ही कुर्सी पर बैठता है वो पुराने सिक्कों को बदल देता है नए सिक्कों से, उस पर नई मुहर लग जाती है, नई मिंटिंग हो जाती है, नई स्टैंपिंग हो जाती है और इसी के अंदर कई पुराने सिक्के रिजेक्ट हो जाते हैं। तो बड़ा फनी कंपैरिजन यहां पे किया गया है। जो पुराने और रस्टी जंग लगे हुए कॉइन्स हैं उनको हटा दिया जाता है, वैसे ही जो पुराने दोस्त हैं उन्हें भी कैसे ना कैसे करके हस्बैंड से दूर कर दिया जाता है। एक और मजेदार इंसिडेंट वो बताते हैं जहां पर कि बैचलर होने की वजह से ये कहा गया कि तुम्हें ऑयस्टर्स की ब्रीडिंग के बारे में क्या पता है। तो हम देख रहे हैं कि इस ऐसे के अंदर अलग अलग इंसिडेंट्स बताए गए हैं, अलग अलग घटनाएं बताई गई हैं। आगे लैम नैरेट करते हैं एक और इंसिडेंट जहां पे एक बीवी ने उनको बहुत बहुत घंटों तक इंतजार कराया डिनर के लिए क्योंकि हस्बैंड साहब अभी तक नहीं आए थे।
और ये उन्हें बिल्कुल एटिकेट्स के खिलाफ लगा, मैनर्स के खिलाफ लगा। उन्होंने कहा ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये तरीका नहीं है सही। और जब वो आए भी तब इनके साथ इतना गलत व्यवहार हुआ कि जो ज्यादा सेवरी डिश थी, जो ज्यादा टेस्टी डिश थी, वो हस्बैंड को दे दी गई और इनको एक बहुत ही सिंपल फूड दिया गया, तो इससे इन्हें बहुत बुरा लगा। तो आपने देखा कि ये जो ऐसे है, ये एक सेल्फ रिवेलेटरी ऐसे है, यहाँ पे सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है, यहाँ पे बड़ा अच्छा साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है कि किस तरीके से वाइफ्स होती हैं और वो कैसा उनका नेचर होता है। बड़ा ही एक अम्यूजिंग लॉजिक भी हम देखते हैं इस ऐसे के अंदर, जहां पर कि बच्चों के वर्च्यूज के बारे में और मैरिड लोगों की बीवियां किस तरीके से बैचलर फ्रेंड्स को अलग कर देती हैं, इसका डिस्क्रिप्शन है। यहां पर कई तरह की मजेदार बातें हम देखते हैं। इस पूरे ऐसे के अंदर हमने ये नोटिस किया कि कई एम्बेरेसिंग सिचुएशंस आई लाइफ में जब वो अपने मैरिड फ्रेंड्स के यहां गए और उन्हें बड़ा बुरा लगा। यहां पर रियल लाइफ में तो वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बट इस ऐसे में उन्होंने ऐसा दिखाया है कि उन्हें उनकी कोई केयर नहीं है। इस ऐसे में बहुत ही पर्सनल टोन है, बार बार आई प्रोनाउन का यूज किया गया है और ये हमें बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा स्ट्रेट, सिंपल, सॉफ्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में इसे लिखा गया है। इसके अंदर कोई जबरदस्ती का ऑर्नामेंटेशन नहीं है। दोस्तों, आपको पता होगा कि चार्ल्स लैम ने अपनी जिंदगी में शादी नहीं की थी क्योंकि उनकी एक बहन थी जो कि मानसिक रूप से कमजोर थी, वो मंदबुद्धि थी, और इसीलिए उसकी सेवा करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए उन्होंने मैरिज नहीं की। तो आज हम लोगों ने पढ़ा बहुत ही एक मजेदार चैप्टर, बहुत ही फनी चैप्टर, बहुत ही कॉमेडी चैप्टर, अ बैचलर्स कंप्लेन टू द मैरिड पीपल बाय चार्ल्स लैम। इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल दिया गया है, आप उसको वहां पे पढ़ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।